और अभी हम सुनेंगे अपने अगले वक्ता को जो भोपाल से पधारी हैं, मिसेस अनुराधा सिंघई जी। बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं आप। फाउंडर, डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। ये चैम्बर व्यापार में इंटरनेशनल नेटवर्क प्रदान करता है। इसका यूएनओ के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में विशेष कंसल्टेटिव स्टेटस है। दैनिक भास्कर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा 2012 में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला आपको। आप ओनर ऑफ ए सिंघाई एंड एसोसिएट्स जो कंपनी सेक्रेटरीज फर्म है, इंदौर प्लस द टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटोरियल इंचार्ज हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एट फ्री प्रेस इंदौर में हैं, आर्म्स एसोसिएट्स जो टूरिज्म रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म है, इसके कई क्षेत्रों में आपकी सक्रिय जिम्मेदारी है। पर्पल मार्च की हेड एवं संस्थापक हैं, जिसके 5000 महिला एवं पुरुष सदस्य हैं। ये संस्था विभिन्न गतिविधियों द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं लिंग समानता के लिए कार्य करती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की आप मेंबर हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बहन के लिए मैं कहूँगी, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, आपकी सेवाओं को देखकर तो खुद खुदा भी सलाम करे। तो आप अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखेंगी बहन अनुराधा सिंघई। सम्माननीय दादी जी, सम्माननीय राजयोगिनी चक्रधरी जी, सम्माननीय मंच पर आसीन सभी अतिथि एवं मेरे सम्मुख शक्ति स्वरूपा सभी बहनें एवं सभी भाइयों, यह आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक इतनी बड़ी शक्ति से मेरा परिचय हो रहा है। और दूसरी शक्ति जो इतनी संख्या में सामने बैठी है, उनसे भी रूबरू होने का एक अवसर मिला है। इतना कंटेम्पररी टॉपिक जो सबके लिए न सिर्फ रिलेवेंट है बल्कि आज समय की मांग है, परमात्म शक्तियों से नारी के शक्ति स्वरूप द्वारा परिवर्तन। नारी के शक्ति स्वरूप, नारी को शक्ति की उपमा दी गई है। क्या ये शक्ति कहां से आई और आज क्या हाल है? एक मां शक्ति का पुंज, जननी है वो, जिसके कारण हम आज अस्तित्व में हैं और आज हम उसी के अस्तित्व को मिटाने चले हैं। कैसे विडंबना है ये। वो नारी जो बचपन से एक बच्चे को हर कुछ करना सिखाती है, पढ़ना लिखना खाना पीना चलना, आज हम उसी को एजुकेशन से वंचित रख रहे हैं। एक नारी एक पत्नी के रूप में जब आती है घर में, अपनी पहचान तक खो देती है, अपना सरनेम तक बदल देती है और उससे ये पूछा जाता है कि क्या लेके आई है, कोई ये नहीं कहता है कि क्या क्या छोड़ करके आई है। सारे रिश्ते, सारे नाते, अपना परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ खोकर के समर्पण भाव से एक दूसरे परिवार की खुशी में अपनी खुशी महसूस करती है। और क्या मिल रहा है आज उसे? कहीं दहेज के लिए प्रताड़ना, कहीं
कुछ और कुकृत्य? क्या यही है वो नारी शक्ति जिसे हम बरसों से पूजते आए हैं, एक दुर्गा की तरह, सरस्वती, माँ सरस्वती की तरह, माँ लक्ष्मी की तरह? क्या ये वही शक्ति है जिसे हम नव दुर्गा में कन्या के रूप में पूजते हैं और कन्या भोज करवाते हैं? और वही हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है कि हम दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं? कहाँ जा रहे हम? जिस डाल पर बैठे हैं क्या हम उसी को काटने चले हैं? जो हमें अस्तित्व में लाई है, अगर हम उसके अस्तित्व को मिटा देंगे तो हमारा अस्तित्व कब तक रहेगा? क्या करना होगा? शायद जगाना होगा। शक्ति है, शक्ति का सशक्तिकरण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो स्वयं शक्ति है, सोई हुई शक्ति हो गई है, उठाने की जरूरत है हमें उन्हें। और इस तरह के शिविर की बहुत आवश्यकता है, जो नारियों को जगाए कि आप जागो, अपने आप को पहचानो। वो दिन गए जब राम होता था और रावण होते थे, रावण के तो 10 सिर दिखते थे, आज के रावण के तो 10 सिर दिखते भी नहीं है। पता भी नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बुराई सर्वव्याप्त है, कहीं ये हमारे बच्चों को भी ग्रसित ना कर दे। आज ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई एक अनजान शत्रु, एक अनजान बीमारी से, एक ईविल से, और इसमें हमें पुरुष भाइयों का पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अधूरी है और असंभव है उनके बिना। नारी है उसके कारण पुरुष है, लेकिन जब भी एक नारी प्रभावित होती है किसी भी तरह से, तो ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं एक पुरुष भी प्रभावित होता है, पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में। तो ये लड़ाई तो हम सबकी है, अकेली नारी की नहीं है, हम सभी की लड़ाई है। ये एक बुराई के खिलाफ लड़ाई है। निर्भया जैसे कांड न हो देश में, दिल दहला देने वाले किससे न हो, उससे जागने की, उसके खिलाफ लड़ाई के शंखनाद की आवश्यकता है, सामूहिक तौर पर और बहुत बड़े स्तर पर और युद्ध स्तर पर। कभी सोचा है हमने कि क्या कारण है, ये क्यों हिंसा बढ़ रही है नारी के विरुद्ध? इस कदर हिंसा बढ़ रही है, कदम कदम पर हिंसा? ये मैंने जब पढ़ा, इसे देखा, मुझे लगा कि पूरे मन की बात कह दी गई है इसमें। बहुत ही सुंदर लिखा है ये। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी आप सभी को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा अभी चक्रधरी दीदी ने कहा, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को ही देखना पड़ेगा। संस्कार कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये हिंसा क्यों हो रही है? नारी का पतन क्यों हो रहा है? कारण नंबर एक, हम अपनी फैमिली वैल्यूज खो रहे हैं, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। दूसरा, हमारी सामाजिक कुरीतियों की जड़ें, सोशल रूट्स। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने ऑब्जेक्टिफिकेशन महिलाओं का बहुत ज़्यादा किया है। क्या करें, कैसे करें? बैठे रहे चुपचाप, देखते रहे, जो हो रहा है वो उसे सुनते रहे, ये सोचते रहे कि हमारे किसी करीबी के साथ तो नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाए?
हम क्यों उठे? पर आज अगर हम ये सोच के चुप रह गए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे किसी करीबी व्यक्ति के साथ भी वो दुर्घटना हो जाए। उस वक्त का इंतजार मत करिए जब हमारे किसी करीबी व्यक्ति, आपके किसी करीबी व्यक्ति के साथ वो दुर्घटना हो। आज ही से शंखनाद करिए। सबसे पहले हम एक अगर पहल करें, अपने आप से, स्वयं के परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। क्या हम खुद एक शपथ ले सकते हैं कि ना हम खुद किसी भी तरह का गलत करेंगे किसी भी महिला के खिलाफ, ना हम किसी और को करने देंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नारी होने के नाते हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अपने गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में? क्या हम खुद नारी होने के नाते ये कह सकते हैं कि हम अपने लड़कों को, अपने बेटों को सिखाएंगे कि तुम्हें नारी का सम्मान करना है, और हर लड़की को सिखाएंगे कि तुम्हें अपना स्वयं का सम्मान करना है? टीच योर सन टू रिस्पेक्ट अ वुमन, टीच योर गर्ल टू रिस्पेक्ट हरसेल्फ। सम्मान आप देंगे, आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो उन वैल्यूज के साथ बड़े होंगे, और जब वो उन वैल्यूज के साथ बड़े होंगे, एक संस्कारवान बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। अगली पीढ़ी को हम बचा लेंगे। ये पीढ़ी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगली पीढ़ी जरूर बचाने की इच्छा रखते हैं, और आप सब भी शायद रखते होंगे। हम ये कोशिश न छोड़ें। और भी बहुत सारी चीजों की जो हमें जरूरत है, बदलाव में, उन बदलाव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करिए। उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े परिवार के हैं तो आपको जरूरत नहीं है, या बहुत छोटे परिवार के। हर किसी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, हर फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। फिजिकल अब्यूज जो रोड पर होता है शायद कभी कभार होता हो, लेकिन डोमेस्टिक वॉयलेंस, घरेलू हिंसा, एक रेगुलर अफेयर है जो रोज होता है। और अगर उससे बाहर निकलना है तो सबसे पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, वो उस हिंसा का विरोध कर सकती है, अपने आप को, अपने बच्चों को उससे बाहर निकाल सकती है। बुरे वक्त का इंतजार मत करिए कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हमेशा शुरुआत से यही फोकस रखिए कि खुद को और अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ही है। उनको स्वयं की एक पहचान देना है, उस सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी अपनी एक पहचान हो परिवार में, समाज में। वो तब होती है जब वो खुद से अपने पैरों पर खड़ी है, किसी पर निर्भर नहीं है। ये चीजों की शुरुआत हमें करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लाइवलीहुड, और दूसरा ही बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है लीगल मैटर्स। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़रूरत पड़ती है लीगल एड की। बड़ी विडंबना है आज हमारे भारत देश के साथ। बहुत खूबसूरत स्कीम्स है गवर्नमेंट की, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ज़रूरतमंद को पता नहीं है कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। लीगल एड के चक्कर में, उसके अभाव में, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है वो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और हालत ऐसी हो जाती है एक महिला की शादी के बाद कि वो न घर की रहती है न घाट की रहती है। सबसे पहले हम खुद
और अपने आसपास के लोगों को उन स्थितियों से बाहर निकालें। ये नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। वक्त का तो बहाना है, हम तो मूल्यों की बात कर रहे हैं। क्या हम वैल्यूज अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं? क्या हम एजुकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं? कभी भी अपनी लड़कियों को पढ़ने से मत रोकिए। और ये एक ऐसा मंच है, इतना बड़ा सपोर्ट है आपको, परमात्मा शक्ति का ही मैं तो कहूंगी कि सपोर्ट है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस स्तर पर महिलाओं के लिए, नारी के लिए, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए इतना बड़ा जहां कार्य हो रहा है, आप सब पूरी तरह से उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ आगे आइए और हम अपनी संस्था के द्वारा और पर्पल मार्च के द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है, पूरी तरह से युद्ध स्तर पर आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। पर्पल मार्च भी यही कहता है, पर्पल पर्पल इज कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ब्लू, पिंक जो महिलाओं के लिए और ब्लू पुरुषों के लिए। पुरुषों और महिलाओं का संयुक्त अभियान है ये नारी सम्मान के लिए और नारी के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए। पर्पल मार्च नमन करता है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन को और आपके इतने बड़े कदम को, और हम युद्ध स्तर पर आपके साथ हर तरह की एक्टिविटीज करने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आप सभी लोगों का, और जाते जाते गिरजा व्यास जी की कुछ पंक्तियाँ कह करके मैं जाना चाहूँगी। नारी को समर्पित ये पंक्तियाँ है। तोड़ ले कोई शाख से मुझको, ऐसी तो मैं कली नहीं। रोक ले कोई मेरी राह, इतनी उथली नदी नहीं। बुने हैं मैंने अपने सपने, खुद ही अपनी राह बनाई। राह से कोई भटका दे मुझको, तिनको की मैं बनी नहीं। नील गगन है मेरी शक्ति, धरती मुझको थामे रखती। कोई आंधी मुझको उड़ाए, तिनको की मैं बनी नहीं। तुम भी जुल्म कहां तक करते, मैं भी उन्हें कब तक सहती। तुम भी ऐसे बुरे नहीं, मैं भी ऐसी भली नहीं। जय हिंद, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस अनुराधा सिंघई जी।